जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत है, तुम्हें तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे, बनता है ट्रांसलेशन की ओर, और इस प्रकार से मैंने ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखना सब्जेक्ट, फिर लिखना ही, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम वाक्य के लास्ट में सुना आता है जरूरत होना, तो उसके लिए हम जरूरत के लिए यूज करेंगे नीड। जैसे तुम्हें लिखने की जरूरत है, यू नीड राइट, उसे पढ़ने की जरूरत है, यू नीड रीड, तुम्हें सब्जी खरीदने की जरूरत है, यू नीड बाय वेजिटेबल, उसे दूध पीने की जरूरत है, ही नीड ड्रिंक मिल्क। इस तरह से दोस्तों, यदि पसंद आया